और ये आपके लैपटॉप में लिंक अपने आप खुल जाएगी। अगली लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और ये लिंक मेरे मोबाइल पे आ चुकी है। लैपटॉप में एक कर्सर आ चुका है जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब देखिए, जैसे ही मैं मोबाइल को मूव कर रहा हूँ, वो मेरा कर्सर मूव हो रहा है। यह दूसरा तरीका है लिखने का, सेंड पे क्लिक करते ही चला जाएगा। अब जैसे मैंने इस शट डाउन वाले पर क्लिक किया और लैपटॉप शट डाउन हो गया। अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में फाइल सेंड करना हो, या मोबाइल से लैपटॉप में, या कोई वेबसाइट की लिंक सेंड करनी हो आपस में, या फिर अपने मोबाइल को माउस की तरह इस्तेमाल में लेना हो, आप एक इस ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, जो कि इंटेल यूनिसेन सॉफ्टवेयर से भी बेहतर काम करता है, क्योंकि यह सभी कंप्यूटर पर काम करेगा। यहाँ तक कि यह स्मार्ट टीवी पर भी काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। इसके कुछ हिडन फीचर्स हैं और कुछ सेटिंग है जो आपको चेंज करने चाहिए, जिससे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। एक बात और, यह सिर्फ लैपटॉप के लिए ही नहीं है, यह उस कंप्यूटर पर भी काम करेगा जिसमें वाईफाई सपोर्ट करता है। तो एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, और विंडोज के लिए कर रहे हैं तो ये दो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से सीधे कर सकते हैं या ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी के लिए ऑफलाइन वाला डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा मिल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कम है। तो सेटअप पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। यह जब तक इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम एक काम कर लेते हैं। आपके घर में वाईफाई है तो दोनों डिवाइसेस को एक ही वाईफाई पर या फिर एक ही हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। अब मोबाइल पर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और परमिशन अलाउड करके ओपन कर लीजिए। KDE कनेक्ट इंस्टॉल हो चुका है लैपटॉप में। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए बस आपको अपने मोबाइल में KDE कनेक्ट ओपन करना है, क्योंकि वाईफाई या हॉटस्पॉट हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं। अब यह सीधा आपको अपने लैपटॉप का नाम दिखाएगा, इस पे क्लिक करके पेयर करने की रिक्वेस्ट सेंड कर दें, और अपने लैपटॉप में मोबाइल के नाम पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर ले रिक्वेस्ट को। ये हमने पहला स्टेप कर लिया। कनेक्ट होते ही हमें ये ऑप्शंस दिखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले फाइल सेंड करने का तरीका देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप से ये वाली इमेज मैं अपने मोबाइल पर सेंड करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ अब राइट क्लिक करना है, सेंड के ऑप्शन पर जाकर सेंड टू रिमोट डिवाइस पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, और ये मोबाइल में फोटो आ चुकी है यहाँ, तो इतनी आसानी से आ जाती है। इसका एक तरीका और है, पहले देखते हैं मोबाइल से सेंड कैसे करेंगे। मोबाइल से सेंड करने के लिए आप या तो ये ऑप्शन, या फिर नोटिफिकेशन में भी आपको सेंड फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कीजिए और फाइल सेंड करनी है उसको सिलेक्ट कर लें, और जो हमने एप्लीकेशन सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इतनी आसानी से आप मोबाइल से लैपटॉप में सेंड कर चुके हैं। अब लैपटॉप से सेंड करने का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। तो दूसरा तरीका लैपटॉप से सेंड करने का ये है कि टास्क बार में आपको ये आइकन दिखेगा, इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करें, सेंड फाइल और URL पे क्लिक करें, सेंड फाइल के ऑप्शन को चूज करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लें। जैसे डाउनलोड से ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और ओके पे क्लिक किया तो ये मोबाइल पे डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसका एक और जो मस्त फीचर लगता है मेरे को, वह है कॉपी सिंक। जैसे मैं ये लिंक को कॉपी कर रहा हूँ और ये लिंक मेरे मोबाइल पे आ चुकी है, और अगर आप मोबाइल पे कुछ कॉपी करते हैं तो वह सीधा लैपटॉप पे चला जाता है। जैसे ये, अगर ये कभी नहीं जाए तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको सेंड क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और अब हम देखते हैं तो यह वो वर्ड आ चुका है। या फिर आप सेंड क्लिपबोर्ड का ऑप्शन अपनी नोटिफिकेशन बार टॉगल्स में भी ला सकते हैं। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड क्लिपबोर्ड वाला जो टॉगल है, इसको अपने मेन एरिया में ले आए। तो अब देखते हैं लिंक शेयर कैसे करेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप से लिंक शेयर करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर, तो सबसे सिंपल तरीका तो आप कॉपी कर लीजिए, वो आपके मोबाइल पर चली जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि लिंक को कॉपी कर लीजिए, अपने टास्क बार में राइट क्लिक करके URL वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर वो पेस्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिए, ये अपने मोबाइल पे लिंक चली जाएगी, और डिफ़ॉल्ट ब्राउजर सिलेक्टेड है तो ओपन भी हो जाएगी, इसका ये फ़ायदा है। अब देखते हैं मोबाइल से लैपटॉप पर लिंक कैसे सेंड करेंगे। मोबाइल से लिंक शेयर करने के लिए, जैसे अब मैं ब्राउजर में हूँ तो बस शेयर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे KDE कनेक्ट में अपने PC के नाम पे क्लिक कर देंगे, और ये आपके लैपटॉप में लिंक अपने आप खुल जाएगी। अगली बार साइड में सीधे यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा सेंड करने का, जैसे यहाँ पे आ गया, क्लिक करते ही लैपटॉप में खुल गई साइट। अब देखते हैं अपने माउस को चूहा कैसे बनाएं। इस ऑप्शन की मदद से आप मोबाइल को लैपटॉप का वायरलेस माउस भी बना सकते हैं। बस रिमोट इनपुट पर क्लिक करें, और अब आप देखोगे कि आपको लैपटॉप में एक कर्सर आ चुका है जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो।
इसके कुछ बढ़िया सेटिंग है जो आपको चेंज कर लेनी चाहिए। जैसे सेटिंग में आके यहाँ पे टच सेंसिटिविटी पे क्लिक करना है और इसको फास्टेस्ट कर लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल पर जैसे ही थोड़ा मूव करो लैपटॉप पे कर्सर अच्छे से मूव हो जाए। आपके लैपटॉप के हिसाब से सेटिंग अलग भी हो सकती है, तो आप इसे कम ज्यादा करके देख लेना। दूसरी सेटिंग, सेटिंग में आना है और ये एक ऑप्शन मिलता है जायरोस्कोप का, इसको ऑन कर लेना है। तो अब देखिए, जैसे ही मैं मोबाइल को मूव कर रहा हूँ वो मेरा कर्सर मूव हो रहा है। तो जैसे स्मार्ट टीवी का रिमोट होता है, कुछ उस तरीके का ये काम करेगा। अच्छा, माउस को अब इस्तेमाल में कैसे लेना है, तो राइट क्लिक करने के लिए ये बटन है, या फिर दो फिंगर को एक साथ क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होगा। ये वायरलेस कीबोर्ड की तरह भी काम करता है। अगर आप टाइप करके कुछ सेंड करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और जैसे अब मैं वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल में ले रहा हूँ, यह दूसरा तरीका है लिखने का, सेंड पर क्लिक करते ही चला जाएगा। सेंड नहीं करना चाहते, सीधा अगर आप लैपटॉप पर टाइप करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब देखिए, मैं जो भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो सीधा लैपटॉप पर टाइप हो रहा है। अब देखते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स को, जिसे आप चेंज कर लेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। जैसे आप अपने लैपटॉप पर कहीं फाइल सेंड करते हो तो वो कहाँ रिसीव होनी चाहिए, वो बदलना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल के नाम पर क्लिक करके प्लगइन सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे शेयर एंड रिसीव के सामने इस आइकन पर क्लिक कर दें। यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपको किस फोल्डर में फाइल रिसीव करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर रखा है। किसी भी फोल्डर को आप चूज कर लीजिए और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपको एक रन कमांड का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं कमांड की मदद से, जैसे कि शट डाउन करना हो। अगर आप यहाँ पे सेटिंग में आकर चूज करते हो, कुछ न्यू कमांड ऐड करते हो, तो आप देखो कि वो काम नहीं करता है। जैसे कि मैंने ये कमांड ऐड की और अगर मैं मोबाइल पर जाकर क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग से कमांड दूंगा जो काम करती है। अब जैसे मैंने इस शट डाउन वाले पर क्लिक किया और लैपटॉप शट डाउन हो गया और ये वीडियो रुक गया। अगर कोई पुरानी कमांड को डिलीट करना है तो वो लैपटॉप से ही होगी, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल में लेते हो तो अगला फीचर आपके बहुत काम का हो सकता है। इसमें PPT कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे हम गूगल स्लाइड्स की वेबसाइट पे आ गए और स्लाइड रिमोट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब हम इस स्लाइड को मूव कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंटर का ऑप्शन भी मिलता है, लेजर लाइट की तरह। इससे आप किसी भी हिस्से को हाईलाइट कर सकते हो कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो होता है ना ऐसे। मोबाइल में आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा परमिशन दिखाई दे रही है। आप इन्हें भी अगर अलाउड करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो आप काम में ले सकते हो, जैसे कि SMS। मोबाइल में अगर आप SMS की परमिशन भी अलाउड करते हो तो टास्क बार में SMS वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के SMS यहाँ पर देख सकते हो और सेंड भी कर सकते हो। और इस ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को अपने लैपटॉप पर भी देख सकते हो, बस आपको अलाउड करना है। और अगर आप किसी ऐप की नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो या फिर किसी एक ही ऐप से नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सेटिंग में आके नोटिफिकेशन सिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर जिस ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए उसको ऑन ऑफ कर दीजिए यहाँ से। तो अब आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन सीधे लैपटॉप पर आएंगी। अगला फीचर, अगर मोबाइल कहीं तकिए के नीचे भूल गए हो या फिर कहीं छोड़ दिया है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिंग डिवाइस पे क्लिक कर दोगे तो आपका मोबाइल बजने लगेगा। इस पे क्लिक करते ही बंद हो जाएगा। और उल्टा भी कर सकते हो, लैपटॉप को भी रिंग करवा सकते हो। मीडिया प्लेयर कंट्रोल, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लैपटॉप पर कुछ भी प्ले करेंगे, स्पेशली ब्राउजर में, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल में इस वाले ऑप्शन पे आके कंट्रोल कर सकते हो। प्ले पॉज कर सकते हो या पीसी की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो वो यहीं से भी कर सकते हो। इसमें एक फीचर और है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की स्टोरेज को अपने लैपटॉप पर देख सकते हो, जितनी भी फाइल्स है, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा पड़ जाएगा। उससे बढ़िया फीचर MI एक्सप्लोरर में था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये एक एप्लीकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम को एक साथ सोल्व कर देता है, जिसके हर एक फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपकी मदद हुई तो इसको लाइक करें और किसी की मदद करने के लिए शेयर करें। थैंक यू।